मैं इस घर में रहकर अपना मकसद पूरा करूंगी सिमरन। इस वक्त मैं पापा जी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारे गलत इरादों में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। ये तो बस शुरुआत है, मैं जल्द ही रुहान को तुमसे छीन कर रहूंगी। मेरे सुहाग को मुझसे तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये तुम किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर रही हो सुहाना? जिसे मैंने मन से अपना पति माना है, जिसे मन और वचन से अपनाया है, दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे चाहा, पूजा की है जिसकी, जिसे मैंने अपना देवता माना है, उसी के नाम का सिंदूर मैं अपने मांग में भर रही हूँ सिमरन। सिंदूर सुहाग की निशानी है सुहाना, और वो सुहागन के मांग में ही अच्छा लगता है, और सुहागन वो होती है जो अपने पति के साथ पवित्र अग्नि के सामने सात फेरे लेती है, और जिसका पति उसे पूरी दुनिया के सामने पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता है, और जिसके पति ने उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाया वो कहलाती सुहागन। और उस औरत को पूरा अधिकार होता है अपने मांग में सिंदूर भरने का। ये तुम्हारा मानना है सिमरन, प्यार करने वालों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, अपने रीत रिवाज होते हैं, और वो अपनी इस दुनिया में बहुत खुश रहते हैं, और फिर दुनिया के सारे नियम उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। सिमरन, किसी रिश्ते को सिर्फ नाम मिल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ते में प्यार का होना बहुत जरूरी है। मेरे पास मेरा प्यार है, और उस प्यार पे मेरा विश्वास, उसी विश्वास के नाम का सिंदूर मैं अपने मांग में भरती हूँ।